हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज के इस लाइफस्टाइल बायोग्राफी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुबई के क्राउन प्रिंस फैजा के बारे में। दोस्तों, शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद मक्तूम भले ही दुबई के क्राउन प्रिंस हो, लेकिन इंस्टाग्राम के वो किंग है। हमदान अपनी बिलियनर लाइफस्टाइल और सोनू सोहकद के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें हम फैजा के नाम से जानते हैं। बता दें कि हमदान दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के दूसरे बेटे हैं। दोस्तों, अगर आपको शेख हमदान पसंद है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। दोस्तों, हमदान का पूरा नाम शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम है और इनका निकनेम आपको पता ही है, फैजा। हमदान का जन्म 14 नवंबर 1982 को दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ और 2022 के हिसाब से ये 40 साल के हैं। हमदान ने स्कूलिंग दुबई के राशिद प्राइवेट स्कूल से की, जिसके बाद इन्होंने दुबई स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में एडमिशन लिया और फिर रॉयल मिलिट्री एकेडमी संडोस्ट ज्वाइन कर लिया। इसके बाद हमदान पढ़ाई करने के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी चले गए। अब बात करते हैं हमदान के करियर के बारे में। दोस्तों, 2006 को शेख हमदान को दुबई एग्जीक्यूटिव काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया और 1 फरवरी 2008 को हमदान को दुबई का क्राउन प्रिंस के लिए अपॉइंट किया गया और साथ ही साथ इनके छोटे भाई मोहम्मद अल मक्तूम को डिप्यूटी रूलर ऑफ दुबई के लिए अपॉइंट किया गया और बाद में हमदान को की पर्सनल ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर अपॉइंट किया गया। दोस्तों, हमदान एचएन कैपिटल एलएलपी के हेड भी है और साथ ही साथ अपने पिता शेख मोहम्मद बिन राशिद के बिजनेस को संभालने वाले में हमदान सबसे यंग है और हमदान दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल और दुबई ऑटिज्म सेंटर में बैठते भी है और हमदान दुबई के वर्ल्ड एक्सपो 2020 का हिस्सा भी थे, जब दुबई को इसे होर्स करने के लिए अवार्ड दिया गया और इसी दौरान हमदान बुर्ज खलीफा के टॉप पर गए और यूएई का फ्लैग लगाया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमदान एक बेहतरीन फोटोग्राफर भी है और हमदान इंटरनेशनल फोटोग्राफी अवार्ड के फाउंडर भी है, जिसे इन्होंने 2011 में लॉन्च किया। फोटोग्राफी के शौकीन होने के साथ ही साथ क्राउन प्रिंस को जुनूनी एथलीट भी माना जाता है, क्योंकि साल 2016 में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम इंडोरस कप के दौरान हमदान ने 160 किलोमीटर की घुड़सवारी बिना रुके की और जीते भी। हमदान को अपने सोनू सोहकद और बिलियनर लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है। अपनी लाइफस्टाइल और खासकर घूमने की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करते रहते हैं। इनके इंस्टाग्राम पर आज 13 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हमदान को जानवरों और चिड़ियों से बहुत लगाव है। आप जानकर हैरान हो जाओगे, जब एक चिड़िया ने उनकी मर्सिडीज कार पर घोंसला बनाया तो हमदान ने उस कार को इस्तेमाल करने से मना कर दिया ताकि चिड़िया आराम से अपना परिवार बना सके, और एक वीडियो भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर डाला था। और दोस्तों, हमदान को कविता लिखने का भी बहुत शौक है और हमदान अरबी में कविता लिखते रहते हैं, जो उनके चाहने वालों के बीच काफी फटी जाती है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना शेख हमदान यानी फैजा आपको कैसे लगते हैं। चलिए मिलवाते हैं शेख हमदान की फैमिली से। दोस्तों, इनके पिता का नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम और इनकी मां का नाम है हिंद बिन मक्तूम बिन जुमा अल मक्तूम। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, शेख हमदान 12 भाई बहन है। वहीं बात करें इनकी वाइफ की तो दोस्तों, इनकी वाइफ का नाम शेखा बिन सहद बिन थानी अल मक्तूम है, जिनसे इन्होंने 2019 में शादी की, और इनके दो ट्विंस बच्चे भी हुए 2021 में, जिनका नाम राशिद और शेखा है। अब बात करते हैं हमदान के हाउस के बारे में। तो दोस्तों, वैसे हमदान के पास दुनिया भर में कई जगहों पर घर है, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ दुबई में शेख मोहम्मद प्लेस में रहते हैं, जिस महल की कीमत लगभग 70,000 करोड़ रुपये है। इस घर में हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है और काफी जगहों पर गोल्ड भी यूज किया गया है। वहीं बात करें हमदान की कार कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों, हमदान को कारों का काफी शौक है और इनके पास दुनिया की सबसे महंगी कारें मौजूद है, जैसे मर्सिडीज, रेंज रोवर, बेंटली बेंटल, रोल्स रॉयज, फरारी, लैम्बोर्गिनी, ऑडी। दोस्तों, इनकी सभी कारों को बताने में तो पूरा दिन ही लग जाएगा। दोस्तों, इनके पास एक गोल्ड में रेंज रोवर भी है, जिसकी कीमत है लगभग 5 मिलियन US डॉलर और इंडियन करेंसी में 35 करोड़ रुपये। और इनके पास गोल्ड लैम्बोर्गिनी भी है, जिसकी कीमत है 7.5 मिलियन USA डॉलर और इंडियन करेंसी में होते हैं 54 करोड़ रुपये। और दोस्तों, इनके पास एक वाटर कार भी है, जिसकी कीमत है 1,14,000 USA डॉलर और इंडियन करेंसी में 1 करोड़ रुपये। दोस्तों, इनके टोटल रोल्स रॉयस कलेक्शन की कीमत है 30 करोड़ रुपये। और दोस्तों, हमदान के पास 6 लैम्बोर्गिनी वेमेनो रोड
डिस्ट्र है जिसकी कीमत है 27 मिलियन USA डॉलर और इंडियन करेंसी में 197 करोड़ रुपये। दोस्तों जैसा कि आपको बताया हमदान एनिमल लवर है तो इनके पास दुनिया के सबसे महंगे कैमल भी है जिनकी टोटल कीमत लगभग 19 करोड़ रुपये है और रमदान को हॉर्स सेम भी बहुत प्यार है और इन्होंने एक हॉर्स खरीदा था जिसकी कीमत 22 करोड़ रुपये है। दोस्तों रमदान के फार्म हाउस पर हॉर्स और कैमल के अलावा टाइगर और जिराफ से लेकर और कई सारे एनिमल्स है। वहीं बात करें इनके होटल के बारे में तो रमदान का दुबई में एक होटल भी है जिसका नाम पांच जुमेरा जबल सराई है और इस होटल की कीमत लगभग 200 मिलियन यूएस डॉलर है और इंडियन करेंसी में 1453 करोड़ रुपये होते हैं। बात करें रमदान की याट के बारे में तो दोस्तों रमदान के पास एक सुपर याट भी है जिसमें हर तरह के ऐशो आराम मौजूद है। इसकी कीमत 70 मिलियन USA डॉलर है, इंडियन करेंसी में लगभग 525 करोड़ रुपये होते हैं। बात करें इनके प्राइवेट जेट की तो दोस्तों रमदान ज़्यादातर अपने पिता के जेट में सफ़र करते हैं। इनके पास बोइंग 747 है जिसकी कीमत 233 मिलियन USA डॉलर है और इंडियन करेंसी में 1750 करोड़ रुपये होते हैं। बात करें रमदान की 2022 में नेटवर्थ की तो दोस्तों इनका नेटवर्थ है 400 मिलियन USA डॉलर और इंडियन करेंसी में होते हैं 3000 करोड़ रुपये। तो दोस्तों ये थी शेख रमदान यानी फैजा की लाइफस्टाइल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये भी कमेंट ज़रूर करें कि नेक्स्ट लाइफस्टाइल वीडियो की सेलिब्रिटी के बारे में चाहते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।